क्या पाकिस्तान इन फ्यूचर इसराइल को तस्लीम करने वाला है या नहीं? पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए। भाई आवाम फिर उन पर क्या रिएक्शन है? बिल्कुल आवाम का रिएक्शन इस पर जो है नेगेटिव आ सकता है और इमरान खान की हुकूमत को भी खतरा हो सकता है, लेकिन तस्लीम कर लेना ठीक है। और अगर इसराइल भी ऐसा करेगा तो फिर हम सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, चाहे फ्रांस हो चाहे इसराइल हो, फिर हम ही रहेगा। हमारी सबसे बढ़कर जो है ना, हमारे लिए हमारी जान, माँ बाप सबसे बढ़कर हमारे लिए हमारी मोहब्बत, हमारे नबी के, इस पर हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे इसराइल हो चाहे फ्रांस हो। फिर हमने तस्लीम भी किया है ना, भारत में क्या तस्लीम हो, सब कुछ कर देंगे फिर हम, ठीक है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तान इन फ्यूचर इसराइल को तस्लीम करने वाला है या नहीं है? क्योंकि अभी हाल ही में 3 कंट्रीज़ ने, मुस्लिम कंट्री ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और कुछ हम सुन रहे हैं कि वो करने भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान इस चीज़ को तस्लीम करने जा रहा है आपकी राय के मुताबिक? देखें, ये जो है एक बहुत ही हॉट इशू है और इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और इसकी रिपरकशंस भी हो सकती हैं। मल्टीपल्स जो है कंट्री इसको तस्लीम कर चुके हैं, जैसे आपने देखा होगा US है, अपना UAE है, फिर बहरीन है। तो इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया क्योंकि आजकल अगर आप देखें दुनिया के पर्सपेक्टिव से तो ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, यानी कि अगर हम देखें तो जिस मुल्क का, जिस कंट्री से भी नेशनल इंटरेस्ट है तो वो इसलिए ही उनको जो है एक्सेप्ट करते हैं या रिकगनाइज करते हैं। और इसलिए अब जिन मुल्कों ने उसको तस्लीम कर लिया वो ये चाह रहे हैं कि अब और जो दीगर कंट्रीज़ हैं वो उनको तस्लीम करे, यानी कि पाकिस्तान है, चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे चाइना आपको पता है ये जो है ऑल वेदर फ्रेंड कंट्रीज हैं, यानी कि दोनों की दोस्ती जो है वो काफ़ी गहरी है पाकिस्तान और चाइना की। और अगर देखें, अगर पाकिस्तान तस्लीम करता है तो ऑलरेडी चाइना इसको तस्लीम कर लेगा, या चाइना अगर तस्लीम करता है तो फिर पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं इसको देखना पड़ेगा। तो ये मेरे ओपिनियन के मुताबिक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक है कि पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें हमारी जो सीपैक जो गवादर से जो पोर्ट जा रही है उसका फिर बाद में जाके जो वन बेल्ट वन रूट जो इनिशिएटिव है वो फिर यूरोप से भी जाएगा, यूरोप इसराइल में यानी कि आता है उस कॉन्टिनेंट में इसराइल, फिर इसमें अफ्रीका से भी है मामला। लेकिन तस्लीम करने से पहले पाकिस्तान को चाहिए कि वो इनकी अपनी शराइत रखें, क्योंकि आप देखें जो बैतुल मुक़द्दस पे जो उन्होंने सेंक्शन लगी हुई है पाबंदी, जुम्मे की नमाज पर या दीगर नमाज जो होती है उधर उधर मुसलमान को इजाज़त दी है नमाज पढ़ने की, तो ये आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। इसके अलावा जो पैलेस्टाइन के लोगों को वो जो जुल्म सितम कर रहे हैं, वायलेशन हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो ये भी चीज़ देखनी चाहिए। बिल्कुल आप जो है इंडिया के बाद अगर हमारा दूसरा सबसे बड़ा अर्च राइवल या जो दुश्मन मुमालिक है या मुल्क है वो इसराइल है, तो इससे हमें बिल्कुल इनहराफ नहीं करना चाहिए या डिनाई नहीं करनी चाहिए इस बात से कि इसराइल हमारा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और मुसलमान जो है कभी भी जो है ना पीठ पीछे वार नहीं करते, वो सामने लेकर वार करते हैं। अगर हम तस्लीम कर लेते हैं तो हमारा दुश्मन जो भी कर रहा होगा हमारे सामने होगी, उनकी जो भी मामला होंगे हम देख लेंगे और इंशाल्लाह फिर हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। हम जब UNO में जाएंगे और उसको तस्लीम करने तो हम अपनी शराइत रखेंगे कि भाई पहले पैलेस्टाइन के जो आप जुल्म सितम हो रहा है, और जो US की एम्बेसी जेरूशलम से तिल अवीव गई है, फिर जो हर रोज मल्टीपल मुसलमान जो है उधर रोज उनकी जो है शहीद किए जा रहे हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है, ये क्या कर रही है ह्यूमन राइट्स वाले, यानी कि जो जितनी भी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स है, UNO, ये तो फिर इनका तो काम ही खत्म हो गया ना। तो पाकिस्तान के पास अच्छा मौका, इसराइल को तस्लीम करे, इसराइल को तस्लीम करे, फिर इनकी आंखों में आगे डाल के बात करे। अगर ये कहीं सोचते हैं कि भाई मुसलमान अब कुछ नहीं है, तो हम सारी बातें रखेंगे कि भाई हमने जो आपके आगे शराइत रखी थी कि आप उस पर पूरा उतर रहे हो, नहीं उतर रहे। अगर हमने तस्लीम करा तो सारे उनके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, पाकिस्तान का जो भी है पैलेस्टाइन किससे रिलेटेड है, या अपना ये बैतुल मुक़द्दस को जो उनसे रिहा करवाने का, या उनके पास जो उसकी जो पाबंदी लगी हुई नमाज के ऊपर वो हटवाने का एक बेहतरीन चांस है। फिर हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी है, हमारा सी पे कनेक्ट हो रहा है, तो हम जो है हमें करना चाहिए तस्लीम, लेकिन हमें फिर ये है कि अपनी दुश्मन की हर चाल का हमें पता होगा, तो मेरे मुताबिक तो करना चाहिए बहरहाल, क्योंकि अगर हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि आइंदा हम देखते हैं भाई कितने मुल्क अलग हैं। अभी देखें सऊदी अरब भी गौर कर रहा है, इजिप्ट भी गौर कर रहा है इस पर, और दूसरे ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए गौर कर रहे हैं। तो क्या हम उस इंतजार में जब सब लोग तस्लीम कर लेंगे फिर पाकिस्तान अकेला रह के क्या करेगा? जबकि अगर देखें हम 57 कंट्रीज में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि एडमी पावर है, यानी कि लीड कर रहा है वो हमारे, यानी कि पूरी मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान लीड कर रहा है। अब जब लीडर ही बिल्कुल अकेला रह जाएगा और फिर सारे तस्लीम करके अपना नेशनल इंटरेस्ट के उस पर, तो फिर ना यूएस हमें तस्लीम करेगा ना दीगर कंट्रीज हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। तो हमें भले पहले तस्लीम करना चाहिए, और हमारे जो थिंक टैंक हैं, हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनके जो स्टेक होल्डर हैं या जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सबको बैठकर एक टेबल टॉक करनी चाहिए, पूरा एक लिस्ट बनानी चाहिए जो हमारे कंसर्न है पैलेस्टाइन से और अपना इसराइल के साथ, वो हमें सामने रखना चाहिए और यूएनओ में जाना चाहिए कि भाई अगर ये लोग ये बात मानते हैं हमारी तो फिर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, वरना हम जो है ताकत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, और ताकि हमारा दुश्मन हमारे सामने आ जाए कि इसकी क्या क्या हरकतें हैं मुसलमानों के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुसलमान उम्मा के लिए क्या इसकी हरकतें और आगे जाके क्या करने वाला है। तो हमें तस्लीम करके इसके साथ बैठकर इसकी सारे अमलो हरकत पर हम देखने की नजर रखने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पाकिस्तान जल्द से जल्द तस्लीम कर लें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें जो कि बोल रहे हैं कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है यूएस की तरफ से या दीगर मुल्कों की तरफ से कि इसराइल को तस्लीम करवाओ। तो आप इससे पहले कि अपनी साख बचाएं तो हमें जो है पहले तस्लीम करना है। ठीक है, आपकी बात से बिल्कुल समझ गया हूँ मैं, मगर ये आप ये बताएंगे अगर पाकिस्तान तस्लीम कर लेता है, वैसे ही अभी पीडीएम बन चुकी है, पीडीएम वजूद में आ चुकी है, जितने भी उनके यानी कि सेकंड पार्टीज जो है वो एक वो मुतहद हो गया, अलायंस हो गया उनका, तो वो क्या फिर उसके अलावा पाकिस्तानी कौम जो है वो इसराइल से नफरत भी करती है। अगर पाकिस्तान या इमरान खान साहब उसको तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तानी कौम तो फिर बहुत उठेगी, जल्द से जुलूस होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है मे भी पॉसिबल कि इमरान खान साहब की हुकूमत जा भी सकती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये जो है आपने जो पॉइंट रेस किया है ये ज़बरदस्त पॉइंट और वैलिड रीज़न है जो आपने रेस किया है। बिल्कुल, पहले तो ये है कि हमारी आवाम को समझना चाहिए इस बात को, जो है ना ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो ये अलाइंस बना है 11 पार्टीज का, बिल्कुल उनका भी हक है, क्योंकि अगर किसी मुल्क के देखें जो डेमोक्रेसी वाले मुल्क होते हैं उसके 2 लंग्स होते हैं, यानी कि अगर एक इंसान की बॉडी से आप मेजरमेंट करें तो उसके 2 लंग्स होते हैं, एक उसकी मेजोरिटी जो यानी हुकूमत में और एक अपोजिशन। तो अपोजिशन का भी राइट है, लेकिन उनको भी ये इस तरह से देखना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान से पाकिस्तान के हक में बेहतर है, तो उस पर सोचना चाहिए। और फिर आपका दूसरा सवाल कि भाई आवाम फिर उन पर क्या रिएक्शन देगी, बिल्कुल आवाम का रिएक्शन इस पर जो है नेगेटिव आ सकता है और इमरान खान की हुकूमत को भी खतरा हो सकता है। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, अपना माइंड को ब्रॉड करने की ज़रूरत है, एक पहलू को हमें कई निगाह से देखने की भी ज़रूरत है कि फिर वही मान जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हम तस्लीम कर लें और नहीं करें फिर बाद में भी तो करना ही पड़ेगा ना, जब सारे मुल्क कर लेंगे तो। लेकिन हमारी आवाम को भी ये जो जितने भी प्रेशर ग्रुप हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, भले उनके कंसर्न हैं वो भले अपने सामने रखें जो उनका हक है और होना भी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान की जो है हक में बेहतर है, पाकिस्तान की जो एम्प्लॉयमेंट पैदा होगी पाकिस्तान के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा बाद में जाके। ये फिर ये है कि अगर लोग का वो फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि तस्लीम करना चाहिए और लोगों को आगे की सोचनी चाहिए, ना कि सिर्फ हम उसी चीज़ पर अटके रहें कि वो हमारा जाने, उसमें भले हमारा दुश्मन है लेकिन हमें अपना जो है इंटरेस्ट आगे रखना चाहिए। हमारे जो इकोनॉमी आजकल बिल्कुल ही डाउन है, उसको बढ़ाने के लिए हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। ठीक है आपकी, मगर अगर पाकिस्तान तस्लीम करता है तो पाकिस्तान का जो फ्रेंड्स नेबर कंट्रीज़ हैं, जो बॉर्डरहुड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मलेशिया है, तुर्की है, उन पे क्या असर जाएगा फिर इस चीज़ का? बिल्कुल, अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा हो कोलालमपुर में एक ओआईसी की मीटिंग हुई है, 46 ये मीटिंग हुई है जिसमें तुर्की ने शमूलियत की और वो अटेंड की, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस, लेकिन पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि पाकिस्तान के भी कंसर्न है, ईरान मौजूद था। ये बिल्कुल जो है ना हमारे जो पूरे 57 कंट्री है और जो दुनिया का दूसरा बड़ा ऑर्गन है यूएन के बाद ओआईसी, उसको सोचना चाहिए, सारे मुल्कों को बैठना चाहिए कि फिर या तो करे ही कोई नहीं। अब यूएई भी मुस्लिम कंट्री है, बहरीन भी मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने भी कर लिया, फिर इजिप्ट भी कंसिडर कर रहा है, सऊदी अरब भी कर रहा है, या तो फिर एक ही तरफ हो जाओ सब लोग सारे, क्योंकि हम फिर वो कटी पतंग की तरह ना हो कि जब वो कट जाए तो फिर उसका पता ही नहीं हो वो कहाँ झोल खाती हुई किधर गिर गई। तो मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए, या तो सब तस्लीम करें या तो फिर सब जो है डिनाई करते हैं भाई हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन एक पेश में होना चाहिए। हमें वो उस वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब सब लोग तस्लीम कर लें फिर पाकिस्तान में दूसरे मुल्क रह जाए। मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए, तस्लीम करें या ना करें बस एक पेज पर आ जाए, क्योंकि वक्त करीब है और जो है सारे मुल्कों में ये हो रहा है कि तस्लीम कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है क्या इस पर असर पड़ेगा जो फ्रांस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बन रहे हैं, क्या उस पर रोकथाम आएगी? बिल्कुल, साखियाँ जो हो रही है उस पर रोकथाम आएगी। बिल्कुल, ये सेपरेट इशू है, इसराइल से थोड़ा हटकर इशू है, लेकिन आप इसके ताने बाने जोड़ सकते हैं इसराइल के साथ। बिल्कुल इसमें फ़र्क आएगा और जो है हम फिर ये भी कंसर्न रखेंगे जो हमारे जो खातमुन नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बाद कोई नबी नहीं हुआ, कुरान से साबित है, दूसरी किताबों से ये साबित हुई है बात। और यूएन में भी कंसीडर है कि भाई जो रिलीजियस के खिलाफ आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। तो अगर फ्रांस कर रहा है तो हमें बाइकआउट करना चाहिए उसका, और अगर इसराइल भी ऐसा करेगा तो फिर हम सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, चाहे फ्रांस हो चाहे इसराइल हो। फिर हम नहीं देखेगा, हम हमारी सबसे बढ़कर जो है ना हमारे लिए हमारी जान, माँ बाप सबसे बढ़कर हमारे लिए हमारी मोहब्बत हमारे नबी के लिए, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे इसराइल हो चाहे फ्रांस हो। फिर हमने तस्लीम भी किया है ना, भाड़ में क्या तस्लीम हो, सब कुछ कर देंगे फिर हम। ठीक है, बिल्कुल, बस ये।